जी हाँ, ये अफसाना हकीकत ही है जो एक बार फिर बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई बनकर सबके सामने आ गया है। सिल्वर स्क्रीन के पीछे गुमनामी के अंधेरों में एक ऐसे बॉलीवुड स्टार के मिलने की खबर आई है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की करीब 100 फिल्मों में काम किया है, और वो स्टार है राज किरण। अर्थ, घर हो तो ऐसा और सुभाष घई की कर्ज जैसी बॉलीवुड की दर्जनों फिल्मों में काम कर चुके राज किरण न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि उनकी लाइफ से गायब हुए स्टारडम ने उन्हें अटलांटा के एक मेंटल असाइलम में पहुंचा दिया है। ये बॉलीवुड के उसी जलवे का नतीजा है जो बॉलीवुड पर छाने वाले हर एक स्टार के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन जैसे ही स्टारडम गुमनामी के अंधेरे में परछाई की तरह गायब हो जाता है, लाइमलाइट के आदि बन चुके स्टार्स अपना ये इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाते। नतीजा, डिप्रेशन, ड्रग्स, सुसाइड या फिर मेंटल असाइलम, और लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है राज किरण के साथ। राज किरण वर्क्ड विद मी इन कल्ट. Everybody knows about it, and I know one thing about him, that he was a very sweet and gentle boy and very obedient actor. But what happened is, after Cult, he got too much hype by public media. That is the tragedy of Bollywood, because the youngsters, with one hit or with two hits, immediately think that they have arrived. दरअसल पिछले करीब एक डिकेट से राज किरण की कोई खबर नहीं थी, यहाँ तक कि उनके अपने दोस्त भी शायद ये मान चुके थे कि राज अब उनके बीच नहीं रहे। लगभग महीने भर पहले राज की को स्टार रह चुकी दीप्ति नवल ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर राज किरण की खोज खबर लेने की कोशिश भी की थी। दीप्ति का मैसेज था, लुकिंग फॉर अ फ्रेंड फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड, हिज नेम इज राज किरण, वी हैव नो न्यूज ऑफ हिम, लास्ट हर्ड ही वाज ड्राइविंग अ कैब इन न्यूयॉर्क सिटी, इफ एनीवन हैज अ क्लू प्लीज टेल। इसी तरह कर्ज में अपने को स्टार रह चुके राज किरण के लिए चिंटू जी का कंसर्न भी खत्म नहीं हुआ। ऋषि कपूर पिछले दिनों अमेरिका में थे, इसी दौरान उन्होंने वहां राज किरण के बड़े भाई गोविंद मेहतानी को तलाश किया। राज किरण के भाई से मुलाकात के बाद ऋषि कपूर को उनके अलाइव होने की खबर तो मिल गई, और साथ ही ये बुरी खबर भी मिली कि राज किरण अटलांटा के मेंटल असाइलम में अपना इलाज करवा रहे हैं। बीमारी की वजह से राज किरण की वाइफ और बच्चों ने ही नहीं बल्कि बाकी नाते रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, पर बॉलीवुड को फैमिली मानने वाले ऋषि कपूर को एक एक्टर की ऐसी बदहाली बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो इसी कोशिश में लगे हैं कि राज किरण को अटलांटा से वापस मुंबई लाया जाए, उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए सिरे से अपना करियर शुरू करने का मौका मिले। वी होप एक एक्टर को मेंटल असाइलम से बाहर निकालने की ऋषि कपूर की ये कोशिश राज किरण की जिंदगी में उम्मीद की किरण जरूर जगाएगी।